बिस्कुट रैप में इस हफ्ते देखिए बॉलीवुड की 10 बड़ी खबरें एक मिनट में। डस्की ब्यूटी ईशा गुप्ता नजर आई उनके मिस्ट्री मैन के साथ, जो कर रहे थे शटरबग्स को अवॉइड। रोहन सिप्पी की फिल्म नौटंकी साला के स्क्रीनिंग पर मौजूद थे बॉलीवुड के कई सितारे। माधुरी दीक्षित अब करेंगी आइटम नंबर रणबीर और दीपिका के साथ फिल्म ये जवानी है दीवानी में। 6 साल बाद सलमान और गोविंदा फिर एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे महेश मांजरेकर की फिल्म में। सनी लियोन के गाने पर चल गई सेंसर बोर्ड की कैची। अब सनी के आइटम सॉन्ग के बोल होंगे लैला तेरी लूट लेगी। इस हफ्ते रिलीज हुए 4 फिल्मों के गाने। फिल्म गिप्पी से हुआ वी आर लाइक दिस ओनली, शूट आउट एट वडाला से हुआ आला रे आला, फिल्म आई लव न्यू ईयर से हल्की हल्की और फिल्म ये जवानी है दीवानी से बलम पिचकारी। रणबीर और कैटरीना नजर आए साथ साथ टॉयफा अवार्ड से लौटते हुए। फिल्म शूट आउट एट वडाला की आइटम गर्ल सनी लियोन आ रही है लोगों को बबली बदमाश से भी ज्यादा पसंद। सुष्मिता सेन ने ट्विटर पर खारिज कर दी उनकी और पाकिस्तानी क्रिकेटर की शादी की अफवाहें। हाल ही में हुए फिल्म फेयर मैगजीन के स्पेशल एडिशन लॉन्च के दौरान वानखेड़े स्टेडियम के सवाल से भड़क उठे शाहरुख खान।